राजपुरा थाना क्षेत्र के सेतुआ गांव निवासी हरज्ञान मानिक चंद्र दीपक राम रहीस अपने गांव से रविवार की दोपहर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में धान लादकर बुलंदशहर जिले के कोतवाली अनूपशहर धान बेचने गए थे। धान बेचने के बाद देर रात करीब 9 बजे वापस आ रहे थे। जैसे ट्रैक्टर गवां अनूपशहर मार्ग पर दीपपुर गाँव में पहुंचा ही था, उसी समय गवां की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रॉली में बैठे मानिक चंद्र, पिता राम रहीस, एक बच्चा दीपक, तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसमें हरज्ञान ट्रैक्टर चला रहा था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंच गए। लोगों ने घायलों को संभाला और ट्रक चालक को भी ग्रामीणों ने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद क्षेत्रीय पुलिस को घटना की सूचना दी और 108 एम्बुलेंस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पुलिस ने घायलों को CHC रजपुरा में भर्ती कराया, जिसमें एक घायल मानिक चंद्र 40 वर्ष की मृत्यु CHC पहुंचने से पहले ही रास्ते में हो गई। CHC पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने मानिक चंद्र 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया तथा हरज्ञान राम रहीस दीपक को प्राथमिक उपचार देकर राम रहीस को भी संबल रेफर कर दिया। वहीं ट्रक चालक जियाउद्दीन निवासी नगला कुंभा थाना ज्ञानी जिला मेरठ को भी मामूली चोटें आई, जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खबर भेजने तक मृतक के परिजन मौके पर नहीं पहुंच पाए थे। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाहक थाना प्रभारी राम मेहर सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। अभी मृतक के परिजनों को आने के बाद ही तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हाँ, नाम है राम रहीस, नाम है एक भाई हमारा, खत्म।